हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छे से और बहुत मज़े में हूँ। तो आज का दिन है मंडे, तो आज है चिल्ड्रंस डे। तो मेरे व्लॉग को जो कोई भी बच्चे देखते हैं तो उनके लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह ही चल रही है कुकिंग, वैसे सुबह नहीं है, सुबह के तकरीबन 9, 9:30 या फिर 10 बजे का टाइम था। और यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, हड़बड़ाहट में हूँ, क्योंकि मुझे जाना है हसीना पाक के घर, क्योंकि आज उनके घर में है। मंडे के दिन उन्होंने रख लिया था जो चिराग लगाते हैं 11वीं शरीफ के, वो रात में होंगे। और दोपहर में उनके घर में है ख़त्म गौसिया की पढ़ाई, मजलिस है, तो वहाँ पर जाना है। और ख़त्म गौसिया की जो पढ़ाई के लिए जो भी प्रिपरेशन होती है वो हसीना पाक मुझी से करवाते हैं हर साल, तो वहाँ पर जाना है, सारी तैयारियाँ भी करनी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। और हसीना पा जो है सुबह में आए थे, आकर झाड़ू पोछा लगाकर चले गए हैं। बस अभी बर्तन मुझे धोने थे तो मैंने धुल दिए थे, अभी बर्तन जो है सूख चुके हैं, तो जल्दी से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अजमा को, अजमा स्कूल से आ गई है, तो काम करते करते ही अजमा आ गई थी, क्योंकि 11:30 के करीब उसकी स्कूल जो है छुट्टी हो गई आज, क्योंकि चिल्ड्रंस डे था। इसी वजह से कुकिंग के साथ घर के सारे काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, साथ में मेरा यूट्यूब भी चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो भी बनता रहता है और मैं कुकिंग भी करती रहती हूँ, और काम घर के करते करते वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो साथ में कोई बात नहीं, मुझे पसंद है तो फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा पैशन है कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं साथ में दोनों ही करती हूँ। लेकिन मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक भी लेना बनता है। तो यहाँ पर साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कर्टन, जो कि मैंने शॉर्ट कर्टन थे यहाँ पर इस विंडोज़ में, दोनों विंडोज़ में जो कर्टन जो है शॉर्ट थे, मैंने उनको लॉन्ग कर दिए, क्योंकि एक विंडो का कर्टन जो है मैंने दो, जो एक विंडो था उसका हाफ हाफ बनाकर मैंने उसको लॉन्ग कर दिया, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और ये बहुत ज़्यादा मतलब हवा भी चलेगी तो ये कर्टन जो है उड़ेंगे नहीं तो खिसकेंगे नहीं, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और जब से हुबली से आई हूँ बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। हुबली से आने के बाद मैंने मतलब जो भी सामान लाया था उसको सारे जगह को अपने अपने जगह पे लगा दिया। इसके बाद क्लीनिंग, डस्टिंग, डीप क्लीनिंग करनी थी वो कर दी, बहुत सारे काम थे। और यहाँ पर ये जो ख़त्म गौसिया और जो मेरे चिराग घर में लगते हैं उनके फातिहा की चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, तो इसकी इसका यूज़ मैं करूँगी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तैयारियाँ चल रही हैं, और यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ हसीना पा के घर, क्योंकि टाइम हो गया था जाने का, हसीना पा जो है वेट कर रहे थे। और यहाँ पर आपा से मैंने बोल दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना, और मेरा लंच जो है नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं लंच करूं, और मुझे हड़बड़ाहट में लंच जो है नहीं खाया जाता, इसी वजह से लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं खाया जाता जल्दी जल्दी में अगर हों तो। इसी वजह से यहाँ पर अजमा जा चुकी थी, फिर अजमा को याद आ गया कि बैग नहीं ली है, बैग में था मेरे ही चीज़ें थी, अजमा की कुछ भी नहीं थी, बस मैंने मुझसे नहीं हो पाएगा लेने के लिए, इसी वजह से मैंने अजमा की बैग में मेरी सारी चीज़ें रख दी है, जैसे चार्जर हो गया, छोटू सा जो मेरे पास सेल्फी स्टिक हो गई क्योंकि वीडियो बनाना था इसी वजह से, और अजमा के पापा हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं और आपा भी निकलने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे एक और काम है, जो हमारे घर की स्टेप्स हैं वो भी क्लीन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, तो वो भी क्लीन करूँगी हमारे घर के जब फातिहा होंगे उस दिन करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, आपा को देख रहे हैं कि आपा निकले या नहीं घर से, तो यहाँ पर रुके थे, आपा आ गए हैं, अभी हम सब लोग चलते हैं हसीना पा के घर। तो हमारी जो गाड़ी है वो पीछे रखी है, तो अजमा के पापा
गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तो हम लोग भी वहीं पे चलते हैं। चलिए चलते हैं हसीना पा के घर। देखिए हम लोग आ चुके हैं हसीना पा के घर। आने के बाद सारी सजावट हो गई है। जो पढ़ने के लिए आते हैं वो लड़कियां और वो जो आपा हैं वो भी आ चुके हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए जो भी यहाँ पर लाया हुआ है, वो वैसे तो घर में यहाँ बैठ कर नहीं खाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा करके बच्चे लड़कियाँ ही हैं जो कि ट्यूशन वगैरह जाती हैं, तो उन्हें उनके पास टाइम नहीं होता है। वो टाइम से ही आती हैं, टाइम पर ही जाते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो इस तरह से पॉलीथिन में डालकर सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो यहाँ पर वही काम चल रहा है। मैं, आपा और हसीना पा की जो सास हैं, खाला हैं, हम तीनों मिलकर कर रहे हैं, और अजमा जो है वीडियो शूट कर रही है, तो सब मिलकर कर रहे हैं। तो एक दूसरे का साथ देकर अगर काम किया जाए ना, वो काम जो है आसान हो जाता है, तो वही कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पढ़ाई चल रही है। मैंने हसीना पा के छोटे वाले बेटे से कह दिया था कि थोड़ा सा वीडियो बनाकर मुझे यहाँ पर लाना। तो वैसे वीडियो बनाते समय जो यहाँ पर बैठी हुई हैं लेडीज़ सारी, लड़कियों को पता चल गया तो उन्होंने, पता नहीं उनको अच्छा नहीं लगता है वीडियो में आने के लिए, तो यहाँ पर बाद में वीडियो को भी हमने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब वो मना करते हैं, तो फिर हमें वीडियो बनाना भी सही नहीं लगता। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई, माशाल्लाह से अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर अभी हम सब लोग बैठकर, मतलब हसीना पा की जो सास है वो, आपा और मैं मिलकर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें करने को कुछ काम नहीं था। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें थी वो हसीना पा आकर पूछ रही थी कि आपा से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो हसीना पा जो है आपा और मुझसे ही पूछकर हर चीज़ें करते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा करके हसीना पा आपा से ही पूछते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो फातिहा वगैरह की होती हैं वो मुझसे पूछ लेते हैं। और यहाँ पर हसीना पा ने मुझसे कहा कि फातिहा का टाइम हो गया है भाभी, तो आप यहाँ पर शरबत थोड़ा सा बना लेना। तो यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा का जो शरबत था वो बना लिया है, उसमें ड्राई फ्रूट्स और जो इसमें डालना था सब्ज़े के बीज वो भी डाल दिए। बस यहाँ पर वाटरमेलन को कट करना है, छोटे से पीसेस करके उसको उसमें डालना है। बस मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी कि इसमें मैंने चीनी नहीं डाली। मुझे लग रहा था कि चीनी जो रूह अफ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो मीठा हो चुका होगा, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था। बस यहाँ पर अभी वाटरमेलन डाल रही हूँ, हालांकि बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था, बस थोड़ी सी इसमें मिठास की थोड़ी सी कमी हो गई, बाकी सब ने अच्छे से पी लिया और ठंडा था तो अच्छा ही लग रहा था। तो फातिहा होते होते ही कुछ हादसा हो गया यहाँ पर, तो उस हादसे को मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी, बस ऐसा हो गया यहाँ पर। तो इसी वजह से फातिहा होने के बाद सब लोग टेंस में थे, ज़्यादा बात नहीं कर पाए, हसीना पा भी बहुत ज़्यादा उदास थे, तो इसी वजह से ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। वरना मैंने सोचा था कि जब घर से निकलेंगे तब तक मैं शूट करूँगी, अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर कुछ हो गई ट्रेजेडी, तो इसी वजह से शूट नहीं कर पाई मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।